ओके ब्लॉगर्स, सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात कर लेंगे नेव बार्स को कस्टमाइज करने के बारे में कि नेव बार को हम किस तरह कस्टमाइज करते हैं। तो मैं आपको उस तरीके से सिखाता हूँ जिस तरह मैंने सीखा है ख़ुद स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक, क्योंकि मैंने बहुत नीचे लेवल से सीखा है। मुझे कुछ नहीं आता था वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में। तो जब मैं सीख रहा था, मेरा उस्ताद मोहतरम फारूक हुसैन शाह साहब, तो उसके बहुत अच्छे लेक्चर है फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे, आप जाए तो बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है उसके। उससे मैं जब सीख रहा था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सीखूँगा, लेकिन फिर भी मैंने हौसला किया उनके लेक्चर से। मुझे हौसला मिला कि हम सीख सकते हैं। तो जब मैं इधर आ गया तो मुझे पता चला कि हम तो सीख सकते हैं। इस लेवल पे मैं जब आ गया तो फिर मैंने अपना चैनल खोल लिया। दूसरी बात यह है कि आपको किस तरह सीखना चाहिए। हम इधर एक वेबसाइट है w3school.com, क्योंकि मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं रहता, मेरे वीडियोज़ आप देखते हो, तो इसलिए जब मेरे वीडियोस देखते हो तो आप तो कोडिंग वगैरह कर लेते हो, लेकिन जो भी मुश्किलात आते हैं तो w3school.com इस पे जाया करो। इधर HTML, CSS, Bootstrap, Learn w3.css, जो भी आप सीखना चाहते हो वेब के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, इधर सारे लैंग्वेजेस मौजूद है। इधर HTML एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। चरण ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो, ये एक पेज उभर आता है। इस पे ये देखो, उन्होंने बेसिक जो पेज बनाते हैं HTML का, हम एडिटर पे वो उन्होंने दिखाया किस तरह बनाते हैं। फिर उसका जो ब्राउज़र में जो इफ़ेक्ट आता है कि ब्राउज़र पे वो किस तरह फिर देखता है, तो वो भी उन्होंने दिखाया है। दिस इज़ ए हेडिंग, एक हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, दिस इज़ ए पैराग्राफ। सो इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। देखे अगर मैं इसमें एडिटिंग करूँ के दिस इज ए हेडिंग के जगह अगर मैं फन टिक स्टूडेंट्स वीडियोस इसका टॉपिक दे दो और रन पे क्लिक करो, तो देखो ये मेरे चैनल का नाम आ गया। तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस हेडिंग को। ये HTML के टैग्स है, इसको हम यूज़ करेंगे। इस तरह पैराग्राफ की जगह अगर मैं देखो के दिस इज स्पार्टन्स और ब्लॉगर्स मिशन 2019 और फिर रन पे क्लिक करो तो ये सारा पैराग्राफ आ जाएगा, आपने देखा। तो इस तरह हम एडिटिंग करते हैं वेबसाइट में और हम अपने वेबसाइट बनाते हैं। HTML चूँकि बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का, फिर हम CSS यूज़ करते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS, तीन टाइप्स ऑफ CSS है, मैं आपको तीनों सिखाऊंगा। तो CSS के थ्रू हम इसको रंग शंग देते हैं, जिस तरह इस वेबसाइट के ये ग्रीन रंग है और ये हम हावर करते हैं तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है, कलर का रंग ब्लैक हो जाता है, और जब हम इसको हटाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है या ग्रीन हो जाता है, और कलर का रंग जो है टेक्स्ट कलर वो वाइट हो जाता है। तो इस तरह हम इसको CSS के थ्रू ये रंग शंग देते हैं। और जो इसके पीछे जो लिंक्स जो वेब ब्राउज़र के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस वगैरह, वो जावास्क्रिप्ट पे हम बनाते हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट, वो हम आगे जाकर पढ़ लेंगे। और एक बात ये है कि पिछले लेक्चर में जब मैं कह रहा था कि मेरे जो एडिटर में जब मैं एस प्रेस कर रहा था तो उधर मेरे एडिटर में एस काम नहीं कर रहा था, जो जब मैं पिछले लेक्चर में मैं डिस्प्ले कर रहा था, मैं डिस्प्ले कॉलोन दे रहा था तो DI में जब लिखता था तो उसके बाद एस नहीं लिखा जा सकता था। उसकी वजह ये थी कि इधर कैमटेशिया में मैं क्योंकि मैं कैमटेशिया रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैं जब इफ़ेक्ट्स पे जाता था तो इधर ऑप्शंस आती है
जब आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इधर अब ये नहीं क्लिक होती क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। जब आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन के बाद आपको आएगा शॉर्टकट्स वगैरह, कीबोर्ड शॉर्टकट और उस तरह। तो शॉर्टकट्स में उधर है, एक है स्क्रीन सिलेक्ट स्क्रीन या सिलेक्ट रीजन, सिलेक्ट रीजन, बिल्कुल सिलेक्ट रीजन पे जब आप जाते हो तो उधर उसका शॉर्टकट है एस, तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। उसको आप देखेंगे कि इधर एडिटर में जो शॉर्टकट से ओह नो सेम एडिटर में जो शॉर्टकट से उन सारों को देख लेंगे, नोट कर लेंगे नोटबुक पे, और फिर जाकर कैमटेशिया में जो शॉर्टकट है वो भी नोट कर लेंगे, और इस एस को उन सारे शॉर्टकट्स के अलावा दे देंगे, इस एस को चेंज कर लेंगे। क्योंकि कैमटेशिया में एस एडिटर में हम एस किस लिए एंटर करते हैं, एस इसलिए एंटर करते हैं एस टाइपिंग के लिए कि हम जब एस टाइप करते हैं तो एस दबाते हैं। लेकिन उधर क्योंकि कैमटेशिया में सिलेक्ट रीजन के लिए शॉर्टकट था, मतलब आप कितनी स्क्रीन की कितना रीजन आप रिकॉर्ड करते हो, तो उसके लिए सिलेक्ट रीजन, उसके लिए एस शॉर्टकट यूज़ होता था, तो वो मैंने फिर चेंज किया, तो अभी मेरे एडिटर में एस काम कर रहा है। तो आप भी इस तरह करें अगर आपको कोई मसला हो इसके बारे में, तो आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह हम ये हमारा मिशन जाएगा आगे और हम पढ़ लेंगे आगे, बहुत कुछ सीख लेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जो भी मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आप इंशाल्लाह इसके बाद ये न कहे, ये न सोचे कि आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते, ये इससे कुछ भी नहीं होता, इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। ये जो लोग बैठे हुए फ्रीलांसर्स वगैरह, ये सारे ये वेब डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप एडिटिंग, ये फिल्मोरा और ये सब कुछ वो यूज़ करते हैं, तो फ्रीलांसिंग में वेब डिज़ाइनिंग भी एक हुनर है, तो इसको आप सीख सकते हो। इससे बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्लाइंट्स वेबसाइट में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं वो नहीं कर सकते, तो फिर आप जब वो छोटे काम करते हो, कभी क्लाइंट प्रोफाइल पिक्चर है, कभी ऑन शो नहीं होता, कभी स्पीड कम होता है वेबसाइट का, कभी कुछ मसला आता है, तो आप उसको हल कर सकते हो। तो बहुत ऑनलाइन बहुत इस तरह प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, जिस तरह हमारे साथ फाइबर है। उससे पहले हम जाते हैं अपना काम शुरू कर लेते हैं एडिटर पे, तो मैं जाता हूँ अपने डॉक्स में, डॉक्स में मैं जाता हूँ यूट्यूब डॉक्स में, ये चैनल डॉक्स है, ये यूट्यूब डॉक्स शॉर्टकट मैंने दिया हुआ है, तो YouTube डॉक्स में मैं ये चैनल कोडिंग .html, ये मैं चैनल के लिए क्योंकि कर रहा हूँ तो मैंने ये नाम दिया है, अपने जो अपनी मर्जी का जो भी नाम देते हो दे दे। ये मैं नोट पैड प्लस प्लस से खुलवाता हूँ, नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आपके विंडो में, लैपटॉप में, आपके पीसी में अपना एक डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है नोट पैड, उससे आप एडिटिंग कर सकते हो। फिर एडवांस में जब हम आते हैं तो नोट पैड प्लस प्लस इसके फीचर्स थोड़े अच्छे हैं, तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पे इसके बहुत वीडियोज है, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हो कि सर हमें इसका तरीका सिखाए, तो मैं आपको नोट पैड इंस्टॉल करने का तरीका भी एक वीडियो इस पर बनाऊँगा। इसके बाद बहुत एडिटर्स है, आप एटम भी यूज़ कर सकते हो, आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ले जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर हम एडिटिंग करेंगे, उसका बहुत एडवांस यूज़ है, वो बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ होता है, तो वो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जाकर उसको फिर हम यूज़ करेंगे। अभी मैंने नोटपैड प्लस प्लस से ये अपना फ़ाइल खुलवा दिया, इस पर मैं अब आपको सिखाता हूँ मुख्तलिफ और आगे के हम मतलब पैराग्राफ किस तरह बनाते हैं। तो हम आगे जाते हैं अपने एडिटिंग में। ये मैंने टेबल दिया हुआ था, इसको टेबल असल में हम नेव बार के नीचे देते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं था, आपने भी कमेंट्स वगैरह में कुछ नहीं बताया कि सर ये टेबल ऊपर देता है नीचे, तो अभी मैं ये टेबल नहीं है, इसको टेबल टैग को मैं नीचे कर देता हूँ नेव बार के, तो ये कंट्रोल एक्स करके इसको इधर से रिमूव करता हूँ, और इधर नेव का जो टैग ये क्लोज हुआ है, असल में मैंने क्लोज भी नहीं किया है, तो इसलिए ये देखो मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिया हुआ है, असल में इधर फॉरवर्ड स्लैश देना होता है,
और इधर आके इंटर दबा के कंट्रोल वी कर देता है तो ये टेबल का टैग ये सारा नीचे हो गया। अभी हम ये हमारा नेव बार है हेडर के अंदर, ठीक है, और टेबल को हम इधर से फिर ये टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग क्लोज ये हम इधर से कंट्रोल एक्स करके ये हम ले जाते हैं हेडर के नीचे, हम देते हैं इंटर और कंट्रोल वी दबा के हम इसको कंट्रोल एस दबा के इसको हम मैंने सेव किया। अभी मैं जाकर इसको क्रोम से मैं खुलवाता हूँ गूगल क्रोम, तो मुझे ये मेरा नेव बार देखता है और इसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर आपको देखता है। तो मैं इधर नोट पैड प्लस प्लस से इसमें एडिटिंग करता हूँ कि किस तरह दिखता है एडिटिंग। तो हेडर के अंदर हमने नेव बार दे दिया अपना, नेव बार हमने किस तरह दिया ULLI इस तरह हमने नेव बार बना दिया, ठीक है। अभी हम इसमें और भी आगे जाते हैं, हम कहते हैं कि इसमें जो ये नेव बार जिस तरह इस वेबसाइट में है के ट्यूटोरियल जो इसका स्पेस भी इसने बड़ा पकड़ा हुआ है और इसके जो पेडिंग ये एक दूसरे से दूर है, फिर ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो कि सर W3 स्कूल और इस तरह ये वेब का ये ट्रांसलेट W3 स्कूल, तो ये हम किस तरह ये एक दूसरे से अलग कर लेंगे ये नेव बार के जो आइकन है, तो उसके लिए हम इधर पेडिंग देते हैं। तो हम पेडिंग किस तरह दे देंगे UL के अंदर हम गए क्योंकि अनऑर्डरलेस्ट है, UL का मतलब है अनऑर्डरलेस। इधर हम UL के अंदर पेडिंग देते हैं कि हमारा जो लिस्ट के जो ये हमारे कंपोनेंट्स है जिस तरह LI UL के कंपोनेंट्स LI है अनऑर्डरलेस्ट है और इसके कंपोनेंट्स जो है ये LI है, एक एक कंपोनेंट्स है इसका, तो इसको हम पेडिंग दे देते हैं। तो पेडिंग का मतलब ये है कि इनके दरमियान स्पेस कितना हो, ठीक है। तो पेडिंग PADDING पेडिंग कोलोन ये CSS का एक टैग हम इस तरह लिखते हैं, CSS में जब हम टैगिंग दे देते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं उसकी हम प्रॉपर्टी को पहले लिखते हैं फिर कोलोन देते हैं, ठीक है। कोलोन के बाद हम उसके वैल्यू को फिर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है पेडिंग एक प्रॉपर्टी है, फिर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वैल्यू हम देते हैं परस करें मैं 20 और पिक्सल असल में हम CSS में हम यूज़ करते हैं एक यूनिट है, मतलब जो आपके साथ सारा स्क्रीन है ये 100 पिक्सल पे मुश्तमिल होता है। तो जब आप पिक्सलिंग करते हो तो आप कहते हो कि ये इतने पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। पिक्सल हमारे साथ एक यूनिट है, ये आगे जाके हम इंशाल्लाह सीख लेंगे। अभी हम इसको पेडिंग दे देते स्पेस देते हैं दरमियान में, तो मैंने 20 पिक्सल ले दिया, ये मैंने सेमी कोलोन दबा के कंट्रोल एस किया और आकर इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो इसमें फेडिंग इतना ख़ास नहीं नज़र आया, ठीक है। इसमें देखो ये बहुत थोड़ा फेडिंग हमने दे दिया, इसको हम ज़्यादा करते हैं 200 पिक्सल कर लेते हैं कंट्रोल एस दबा के, इसको हम आकर रिफ्रेश कर लेते हैं, ये फेडिंग इधर नहीं आता, पता नहीं ये इसका मसला क्या है। कंट्रोल एक्स दबा के इसको हम अच्छा, असल बात ये हमने फेडिंग गलत जगह में दे दिया था, UL में ये नहीं देनी चाहिए, ये असल में हमने इधर आकर LI में अंदर देनी चाहिए। कंट्रोल वी दबा के इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल वी और इस तरह सारों में हम कंट्रोल वी दबा के हम इसको पेस्ट कर लेंगे और कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेंगे, फिर जाकर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखते हैं कि फेडिंग आपने देख लिया। ये सारा मैंने फेडिंग क्योंकि ज़्यादा दिया था तो वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर गए और ये बहुत बड़ा हो गया। अभी फेडिंग को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 200 पिक्सल से 20 पिक्सल पे ले आता हूँ हर एक को, कंट्रोल एस दबा के इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आकर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख लिया आपने पेडिंग का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ ये अपने बाउंड्री से कितना दूर हो।
अपने बाउंड्री से कितना दूर हो, मतलब इसकी जो बाउंड्री है उसके और जो टेक्स्ट है उनके दरमियान कितना स्पेस आना चाहिए, तो उसको कहते हैं पैडिंग। ठीक है, तो इसको हमने पैडिंग दे दिया। पैडिंग पे तो ये हमने, चलो ये हमने सीख लिया। आगे हम क्या सीख, किस तरह हम इसको और वैल्यूज दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे और दूसरे लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम सीख लेंगे कि हम इसको और प्रॉपर्टीज़ किस तरह देते हैं, और इस तरह हम नीचे बॉडी में टेबल वगैरह भी बनाएंगे। तो अगर हमारे मेरी वीडियोस आपको समझ आ गई है और पसंद भी आ गई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा, क्योंकि जब मैं नए नए लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करता हूँ, आप सीखते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बिल का आइकन भी दबा दें, और इस तरह आप अपडेटेड रहेंगे मेरे वीडियोस से। तो इस तरह इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।